सीएम योगी के पूरे यूपी में कावड़ मार्ग पर दुकानों का नामकरण कराने पर पूरे देश में मचा सियासी उबाल। नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप सब देख रहे हैं यूपी की आवाज। यूपी के मंत्री की चेतावनी के बाद कावड़ यात्रा रूट पर खाने पीने की दुकानों पर अब मालिक के नाम लिखना शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में योगी सरकार के मंत्री की चेतावनी पिछले दिनों सामने आई थी। इसके बाद मुजफ्फरनगर में इसका असर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर जिले के सभी दुकानदारों, ढाबों, फल विक्रेताओं और चाय की दुकानों ने प्रशासन के निर्देशानुसार अपने प्रतिष्ठानों या वेंडिंग ठेलों पर मालिकों या कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों के बीच भ्रम और कानून व्यवस्था की संभावित समस्याओं को रोकना है। हाल ही में मुजफ्फरनगर के विधायक और यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक जिला स्तरीय बैठक में टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किसी भी विवाद से बचने के लिए हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपनी दुकानों का नाम नहीं रखना चाहिए। जिला प्रशासन ने मंत्री की चिंता पर ध्यान दिया और इस संबंध में निर्देश जारी किए। एसएसपी अभिषेक सिंह ने मंगलवार को कहा कि कावड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले में कावड़ियों की ओर से लिए जाने वाले मार्गों की कुल लंबाई करीब 240 किलोमीटर है। इन मार्गों पर स्थित सभी भोजनालयों पर मालिकों या कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित होने चाहिए। एसएसपी ने कहा कि होटल हो, ढाबे हो या ठेले हो, जहां से कावड़ी खाद्य सामग्री खरीदते हैं, उन्हें लिए आदेश जारी किया गया है। अपने ठेले पर अपने नाम का बोर्ड लगाने वाले फल विक्रेता मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मैं प्रशासन के आदेशों का पालन कर रहा हूं, मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। आपको बता दें, दरअसल मुजफ्फरनगर उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ है। हरिद्वार में गंगा से पवित्र जल लेने के बाद यूपी, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से लाखों श्रद्धालु जिले से गुजरते हैं। इसको देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। एक तरफ सीएम योगी ने आदेश जारी किया तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं कावड़ यात्रा की तैयारियों को पूरा कराने में जुटे हुए हैं। सीएम ने बुधवार को 22 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और नगर विकास विभाग को अगले 72 घंटे में कावड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत का शेष कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि पूरे कावड़ यात्रा रूट की साफ सफाई कराई जाए, यह क्रम पूरे माह जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने गंदगी और जलभराव की कोई शिकायत न मिलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कावड़ यात्रा मार्ग पर लाइट की व्यवस्था कराने को भी कहा गया है। इस पर अखिलेश यादव ने हमला बोला। मुजफ्फरनगर पुलिस के फरमान के मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करारा तंज कसा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखने का निर्देश दिया गया है और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवा कर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।